भी नहीं, नाना नहीं, नाना नहीं, 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 कुछ भी नहीं, ओ, ओ, कुछ भी नहीं, ओ, ओ, कुछ भी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और वापस आ गया हूं जुमेरा ठीक 10 बजे आपके साथ, इनफैक्ट आपके पास, और लेकर आ गए एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। जी हां, जुमेरात को ठीक 10 बजे हम आपके साथ होते हैं और दिल से दिल तक का एक एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें हम आपके साथ करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हमारे दिलों से आपके दिलों को जोड़ती हैं या हम सब के दिलों को एक साथ जोड़ती है। और आजकल तो हम सब
घरों में कह रहे हैं, तो कुछ दिल की बातें हो जाएं और कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी हैं लाइफ में होनी चाहिए। और शायद कई बार हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपनी बातें अपने दोस्तों से या सबसे शेयर कर सकें। क्या कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती हैं उस, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं आपको जहाँ पे आप ये सब बातें शो में आगे कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक घंटे का शो लाइव शो होता है जिसमें आप हमारे साथ जब भी चाहें जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए हमारे स्काइप आईडी रेडियो डान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें और चाहें तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और इन मीडियम्स के थ्रू आप हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या किसी भी तरह से, जिस तरह से भी आप चाहें वो हमें अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, शो में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे हमारा दिल से दिल तक का पेज, जिसे आप लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक आसान तरीका और कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodan.com और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तरीके जो हमसे आपको जोड़ते हैं, कभी भी आप जुड़ना चाहें शो में और बात रखना चाहें। बहरहाल आज के शो में आपको मिलेगा क्या, पूरा शो आपको मिलने वाला है आज फिर से एक बार, क्योंकि लास्ट वीक हमारा एक स्पेशल शो था, लेकिन इस बार एक फुल फ्लेज शो है जिसमें आपको तेरी मेरी बात का सेगमेंट मिलेगा। जो दूसरा सेगमेंट होता है हमारा, उसके डिस्कशन का टॉपिक क्या है वो हम आपको अभी ज़रूर बताएंगे कि आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि उन लिसनर्स को पता चल गया होगा जो उन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेज को पढ़ा होगा, लेकिन उन लिसनर्स को जो शायद शो में ही टॉपिक को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ देर में पता चल जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। इसके साथ साथ आपको उससे पहले, यानी कि तेरी मेरी बात से पहले, जो सेगमेंट हमारा पहला सेगमेंट होता है यादों का सफरनामा, उसमें आज कौन है जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेगा, वो हमें ज़रूर देखना होगा कि आज कौन अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने वाला है। इसके साथ साथ मिस लवी की लव टिप ऑफ द वीक भी आपको मिलेगी, वो भी शो के लास्ट में मिलने वाली है। और माई सक्सेस की रिकॉर्डिंग भी हम आप कोशिश करेंगे आपको आज ज़रूर सुनवा पाएं। तो ये पूरा शो है। अब बात मैंने आपसे बोली थी कि चलो आपको बताएं कि आज का मौजू क्या है, आज का टॉपिक क्या है। जिस टॉपिक पे आज हम बात करना चाहते हैं उसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन, काफ़ी लोगों को डिसएग्री हो सकते हैं हमारे इस बात से जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार इस बात की भी ज़रूरत पड़ती है और ऐसा होता भी है, और कुछ लोग शायद इस बात को पूरी तरह से निभा भी पाते हैं। और क्या आप ऐसा कर पाते हैं, और क्या आपके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल है, यही आज हमारा टॉपिक होने वाला है। जो हमने आज टॉपिक आपके लिए चूज़ किया वो यही, बहुत सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इसके जो मुश्किल वाली बात ये है कि ये जितना आसान लगता है शायद उतना आसान है नहीं, क्योंकि जो मामले दिलों से जुड़ते हैं वो लगते आसान है लेकिन उनकी तार बड़ी उलझी हुई होती है। आज का टॉपिक तेरी मेरी बात सेगमेंट में हमने चूज किया आपके लिए, और आपसे सिर्फ इतना एक सवाल पूछा, लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस इज पॉसिबल, क्या प्यार बिना उम्मीदों के संभव है? क्या आप किसी से प्यार करें और उससे कोई उम्मीद ना करें, या उनसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो आपकी, ऐसा पॉसिबल है? या एक्सपेक्टेशंस के बिना प्यार हो ही नहीं सकता, वो आप हमें बता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ देने के बदले आप कुछ चाहते हैं, या सिर्फ एक निश्चल भाव से, या यूँ कहें कि बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से आप किसी को प्रेम दे सकते हैं, उसकी संभावनाएं कितनी हैं, अगर संभावना है तो कितनी, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, वो आप दोनों बातें हमें बता सकते हैं। हम भी आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो कैसे संभव हो सकता है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम अपनी राय, अगर आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका तरीका वही है जो हमने आपको बताया। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN, और इस आईडी को अगर आपने अभी तक अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो बिल्कुल इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें मुझे, और हम आपकी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। अब बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, तो एक प्यारा सा गाना और गाने के बाद आपको मिलेगा हमारा आज का पहला सेगमेंट जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, आपको पता ही है हमारे सेगमेंट की, और सेगमेंट में यादों का सफरनामा, कौन अपनी बात आज रखने वाला है वो आपको पता चलने वाला है बस कुछ ही देर में। ला 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 ला
होते हो गया, होते होते हो गया, होते होते हो गया। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो डान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन सिक्स। मैं हूं आरजे नरेश और सेगमेंट शुरू हो रहा है पहला वाला। और पहले सेगमेंट की बात जो हम आपके साथ करने वाले हैं वो है कौन सा सेगमेंट का नाम। जैसा मैंने आपको बताया, हम अक्सर अब डिस्कशन शुरू नहीं करते हैं, पहले शुरू होता है आपका सेगमेंट यादों का सफरनामा। यादों का सफरनामा एक ऐसा सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम उन लोगों से या आप में से सबसे किसी से भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है और बात करना चाहता है उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ के कौन से हिस्से में आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप ब्रोकन हैं या आपने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया। फिर उसके बाद आप अपने आप को संभालते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं और आप फिर महसूस करते हैं कि जो गुजरा वो वक्त का एक हिस्सा था, एक पार्ट था, लेकिन अब लाइफ सेटल है। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमारी लाइफ में होती हैं और आज हमारे साथ कौन है इस सेगमेंट में जिसका नाम है यादों का सफरनामा। हेलो। हेलो। बिल्कुल, इनकी आवाज़ सुन के अगर आप पहचान जाएं तो ठीक, ना पहचाने तो बड़ी समस्या वाली बात। भाई इनको पहचानना और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आरजे अंकित है हमारे साथ और आज इनके साथ भी हम चाहते हैं यादों का सफरनामा एक बार गुजारा जाए और इनकी यादों में कहीं दूर तक जाया जाए। अंकित। बिल्कुल, मेरे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं तो ये इंसिडेंट बचपन से देखता आया हूँ, बट तो मेरे लिए एक नॉर्मल सी चीज है, उसके लिए उबरना मेरे लिए नॉर्मल सी चीज है, चाहे बचपन में आंखों से लेकर हो, चाहे करियर से लेकर हो, चाहे फिर आंखों से लेकर हो। तो उस पूरे सफर को मैंने मतलब हर तीन चार साल या हर तीन चार महीने में वो एक ऐसा फेज आता है जब लगता है यार कहाँ जा रही जिंदगी। तो कब कई सारी समस्याएं, कोई ऐसी बड़ी समस्या है, कभी कुछ एक मुश्किल दौर ऐसा लगाओ कि लगा जब ये लगाओ कि लाइफ में शायद अब कुछ नहीं बचा। मैंने कहा ना ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फेज नहीं है, वो हर तीन चार महीने या हर एक दो साल में वो वापस आता है लौट करके और उसके बाद फिर चीजें अपने आप 6-7 महीने में वापस कंट्रोल में हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले उस एक्सपीरियंस की तो मैंने 4 साल एक ही जगह काम किया, बहुत थोड़ा काम किया एज ए कॉपी राइटर, बट वहाँ ऐसा लगा यार यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, या मुझे कोई ले नहीं रहा, मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मुझे कोई नहीं ले रहा। पर अचानक से फिर मुझे एज ए कंटेंट राइटर मुझे मौका मिला एक पॉलिटिकल कंपनी के लिए काम करने के लिए। उसके बाद अभी मैं फिर वहां से छोड़ के मैं आया हूँ और अगर उसी फेज की बात करें तो आंखों में प्रॉब्लम बचपन से ग्लूकोमा है, बट अभी अल्सर हुआ था आंखों में। तो वो एक फेज था, एक हफ्ता मैं घर पर रहा था, दवाइयाँ खूब सारा डली थी, 8-9 दवाइयाँ खाना और डालना, तकरीबन 18-19 दवाइयाँ दिन में डालना और हर आधे घंटे में दवाई डालना। तो वो एक फेज था। तो वो जब मैं इस तरह से होता हूँ तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि मेरे को शायद भगवान ने, और ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि शायद भगवान ने आपको टेस्ट करने के लिए भेजा है। वो आप
वो इसलिए दे रहा है कि आप उसको पता है आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो एक टेस्ट में उसने आपको डाला हुआ है, तो आप उस टेस्ट को पार करो और अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होंगी। तो मैं कभी सोचता नहीं, मैं सोचता हूँ ये, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझो किसी मकसद से हो रहा है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो दैट इज द थिंग, और यही सोच के मैं चलता हूँ। और जैसे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस, तो मेरा एक मोटिव होता है मैं गाने सुनता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा गानों के साथ रखता हूँ, और जब भी मैं होता हूँ मैं अपने गाने एक दो घंटा, एक दो दिन, तीन चार दिन सुनने के बाद अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस शुरू हो जाता हूँ दोबारा। तो जब लाइफ में इस तरह का एक फेज आता है कि डिप्रेशन हो तो गाने सुने, इसके अलावा और क्या तरीका होता है जिससे आप ईज आउट करते हैं? बिल्कुल, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्ट करने का मीन है, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ तो मैं वेब सीरीज देखता हूँ, तो मैं वेब सीरीज देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ, खूब ज्यादा सोता हूँ, खूब ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। तो आप जब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे उस चीज से, तो आपको वो चीज नजर ही नहीं आएगी, आपके आमने सामने लगेगा यार वेब सीरीज चल रही है, ये क्या हो रहा है, आप किताब पढ़ रहे, अच्छा इसके लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, तो आप उसमें खो जाते हो। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट जितना कर सकते हो उतना डिस्ट्रैक्ट करो, वो सोचने की बजाय कि ये ऐसा क्यों है, ये सोचो कि उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको जब दूसरों की लाइफ देखेगी तो आपको लगेगा यार मेरी चीज तोड़ी है, इन्होंने मुझसे ज्यादा देखा है, इन्होंने मुझसे ज्यादा झेला है। बिल्कुल, तो ये तरीका हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कोशिश कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। कभी आप लाइफ में परेशान हो तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि जिस बारे उस चीज में अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो आपको अक्सर दिक्कत होती है। और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे पास और आपके पास सबके डिफरेंट। अंकित, अब लाइफ कैसी है? अब जो आपने कहा जॉब छोड़ दी और उसके बाद फिर वही लगा कि तो फिलहाल क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर अभी भी मुश्किलें जारी हैं? अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि एक साल काम, डेढ़ साल काम करने के बाद, रेडियो के साथ तो मैं 4-5 साल से हूँ, वो मुझे पता है कि मेरी आवाज रेडियो में पसंद की जाती है, तभी 4-5 साल से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मैंने वीओ भी करने शुरू कर दिए। बट लाइफ जो है अभी, अगर मैं इस करंट स्टेज की बात करूँ तो मैं ऐसा लगता है मैं जहां से चला था मैं वापिस वही आ, तो वहां से वापिस मुझे चलना और वापिस वही जाना। सो ये सर्किल है और ये आपको समझना पड़ेगा, आप जहां से चलते हो आप वापिस, क्योंकि धरती गोल, तो आपकी लाइफ भी गोल, तो आपको और ये, तो आप जहां से चलते हो वहां पे जरूर आ जाते हो, ये फेज होता है। तो मैं वापस वहां से वापस चल के वहां आ गया हूं, मुझे वहां से उठ के वापस वहां जाना, सो ये चलता रहेगा। तो ये है चक्र लाइफ का कि चलता रहेगा, जहां से आप आए हैं वहां फिर वापस जाना है, और फिर अगर नीचे आ जाते हैं तो ऊपर जाना, ये प्रक्रिया लाइफ में हमेशा चलती रहती है। तो ये है यादों का सफरनामा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो यही तरीका, हमारी स्काइप आईडी radio.radio.udn या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हैं, शो के टाइम पे आप लाइव कॉल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू अंकित, और हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया अंकित ने आज जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ये था हमारा पहला सेगमेंट यादों का सफरनामा आरजे अंकित के साथ, और आज अंकित अपनी बातें शेयर हमारे साथ कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से चीजों ने और कंडीशंस ने उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दी, उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हुए और अब चीज़ों से उनको आदत हो गई है और इस तरह की जो चीज़ें हैं शायद उनको वो डील कर पाते हैं। यही तरीका है लाइफ को जीने का, वक्त के साथ चीज़ों को सीखते चले जाएं, समझते चले जाएं और उनके साथ कोप अप करना सीख जाएं। सिचुएशन जैसी भी हो हिम्मत के साथ काम लें, बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। तो बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो बातें थी अपनी यादों के सफरनामे से निकाल के अपने आप हमारे साथ हमारे लिसनर के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात आ गई है अब दूसरे सेगमेंट की, यानी कि दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात और आज का डिस्कशन, आज का मौजू, आज का टॉपिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस इज पॉसिबल। क्या प्यार बिना उम्मीदों के या एक्सपेक्टेशंस के बिना पॉसिबल है? क्या आप किसी को प्यार कर सकते हैं बिना किसी उम्मीद के या एक्सपेक्टेशंस के? तो वो आप पे डिपेंड करता है। और कहते हैं कि प्यार एक ऐसा व्यापार है जिसमें शायद आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ, ये एक ऐसा निश्चल या निस्वार्थ भाव का व्यापार है, ट्रेड है, जिसमें आपको जितना आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता जाता है। लेकिन कई बार हमें उम्मीदें इस चक्कर में, या यूँ कहें कि इसलिए भी उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि हम जब शायद किसी से कुछ, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं या प्यार करते हैं, तो शायद हमारी उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं। हमें लगता है कि जिसके लिए हम शायद कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए शायद कुछ ना कुछ तो करेगा। कई बार ये उम्मीदें जायज़ भी हैं, अक्सर जायज़ हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये मुश्किलों का सामना भी करवा देती हैं, कई बार इससे दिक्कतें भी सामने आती हैं और कई बार कई मरतबा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप कश्मकश में पड़ जाते हैं कि क्या जो आपके साथ हैं वो सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आप, बहुत सी ऐसी बातें आ सकती हैं। तो क्यों ना हमने ये जो सवाल आज सोचा आपसे इसलिए पूछा जाए कि क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या ये कोई ऐसा जरिया है जिससे आप जिसको प्यार कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, जो भी आपके साथ हैं, उनसे आप बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार कर सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आई वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगा। आप चाहें तो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्काइप आई डी radio.radio.UDAA, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलरली इस शो के लिए 9015173846, इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए चाहें तो टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट इसी नंबर के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहें तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मीडियम सारे ओपन हैं, आप जैसे आप हमारे साथ जुड़ना चाहें वैसे जुड़ सकते हैं। और जल्दी से बात करें कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप ये सोच सकते हैं कि आप बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार कर सकते हैं, और प्यार संभव है बिना उम्मीदों के। क्या प्यारों के लिए उम्मीदों के सहारा, उम्मीद का सहारा होना ज़रूरी है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहली बात ये जो मुझे समझ में आ रही है वो शायद ये कि आप अपने रिलेशन में कितना फेथ रखते हैं। आप जिस रिलेशन में हैं उसमें आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अपने रिलेशन पर आप फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो शायद इस एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अगर आपका रिलेशन, आप ये मानते हैं कि आपका रिलेशन जो है वो ट्रू है, आप इसमें फेथ करते हैं, तो अगर आपको कोई उम्मीद भी नहीं होगी तब भी सामने वाला बंदा आपके लिए मदद या आपके लिए कुछ कर सकेगा तो ज़रूर करेगा। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, जिस रिलेशन में आप जिसके साथ हैं, उस पर आपका भरोसा होना चाहिए। रिलेशन पे भरोसा तभी हो पाएगा जब आप उस व्यक्ति पे भरोसा करेंगे जिसके साथ आप रिलेशन में हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमने अभी एक्सपेक्टेशंस को अलग रख दिया है कि अगर ये सब चीज़ें जाकर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आप अपनी लाइफ में या अपने पार्टनर के साथ करते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना एक्सपेक्टेशंस के भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पहली बात, रिलेशन में आपका ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पार्टनर में आपका विश्वास होना चाहिए। जिस ट्रस्ट पार्टनर के साथ आप हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि आपका पार्टनर जो भी है आप उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है, नेचर में, स्वभाव में, आदतन, ये जैसा वो है। कई बार क्या होता है कि हम हमारे दिमाग में अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के लिए एक इमेज होती है, हम उसके लिए दिमाग में इमेज बनाते हैं कि
हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हमारा पार्टनर वैसा होना चाहिए। और जब हमें कोई हमारे लाइफ में आता है, कोई हमें पसंद करता है, हम किसी को पसंद करते हैं और हम किसी रिलेशन में इंटर करते हैं, तो हम उसे कई बार मोल्ड करने की कोशिश करते हैं या उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें ना करें। आपका पार्टनर जैसा है, आपको आपको उसी में अगर वो पसंद आया है तो आप उसको उसको वैसा ही रहने दें, और वो जैसा है उसी नेचर में उसको एक्सेप्ट करें। एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ये रिलेशन का। एक्सपेक्टेशंस की बात छोड़ दें तो भी ये बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशन के लिए कि आप अपने पार्टनर को चेंज ना करें, आप अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश ना करें, जैसा वो है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करें। इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आपको अपने रिलेशन में जब आने के बाद एक निस्वार्थ भाव का इंसान बनना पड़ेगा, जिसमें सेल्फलेस ऐसा कुछ ना हो कि आप सेल्फिश हों, आपको कुछ ऐसा ना लगे कि आप कुछ बहुत कुछ चाहते हैं, वो आपको छोड़ना होगा। इसका बहुत सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये हो सकता है कि आप इस बात की उम्मीद ज़रा कम करें कि आप कितना प्यार दे रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, ये नहीं करना है शायद आपको। आप जितना दे रहे हैं और आप जितना दे सकते हैं वो आपको देना है। आप उस पर नहीं सोचेंगे कि आपने इतना दिया और आपको बदले में 10% मिला, आपने 30% दिया तो आपको 2% मिला। शायद जब ये बात आ जाती है मन में तो आप उस शायद स्वार्थ में आ जाता है। तो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करना है, आप उस सेल्फलेस में आ जाएंगे, बिल्कुल सेल्फिश नहीं होंगे। तो उसकी भी आपको कोशिश करनी है। जब आप कोशिश कर पाएंगे तो शायद आप आगे रिलेशन को बढ़ा पाएंगे, और एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी अपनी लाइफ में, अगर इस तरह से आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेगमेंट चल रहा है शो का जिसका नाम है तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात में आज हम बात कर रहे हैं लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस इज पॉसिबल। लाइनें ओपन हैं हमारे रेडियो के स्काइप आईडी radio.radio.UDAAN, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846। भाला दिल जो मेरा कर बे
कागजों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। किसकी है मानी, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। तो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट में जिसका नाम है तेरी मेरी बात। और सेगमेंट में आज टॉपिक डिस्कस हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत मुश्किल वाला, क्योंकि दिखने में सिंपल है लेकिन हकीकत में देखेंगे तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी उलझा हुआ टॉपिक जिस पर आपके साथ बात कर रहे हैं। लगभग चार चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन इज़ पॉसिबल, क्या प्यार की संभावना है बिना उम्मीदों के सहारे पे, तो वो आप हमें बता सकते हैं। हमने आपको बताया था, कॉल करें हमें स्काइप आईडी रेडियो डॉन RADIOUDN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। चार बातें आपके साथ डिस्कस कर लिए मैंने अभी तक, इसके बाद कुछ पॉइंट्स और मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिनके जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किस तरह से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और समझ में आई वो ये कि डू नॉट कंपेयर, कभी भी आप अपने रिलेशन को और अपने पार्टनर को किसी दूसरे व्यक्ति से या व्यक्ति के रिलेशन से कंपेयर ना करें। आपका रिलेशन बिल्कुल यूनिक है, आपका पार्टनर अपने नेचर में बिल्कुल यूनिक है, आप भी अपने नेचर में बिल्कुल यूनिक है। इससे जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर कभी किसी तीसरे व्यक्ति से कंपेयर ना करें। जब भी इस तरह से आप कंपेयर करते हैं तो रिलेशन को नुकसान होता है, दुख पहुँचता है एक दूसरे को और थोड़ी सी हीन भावना भी आती है। आपको लगता है कि शायद आप लोगों में कुछ कमी रह गई है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी आप ऐसी कोई कोशिश ना करें जिससे आप एक दूसरे को कंपेयर करने की कोशिश करें को भी किसी तीसरे बंदे से। इसके साथ साथ जब भी आप बात करें तो आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होने चाहिए, आपके मन में कोई सीक्रेट नहीं हो और ये विश्वास और अपने पार्टनर पर अपने रिलेशन पर जो ट्रस्ट है आपका, उसके साथ साथ जब आप बात कर रहे हैं तो वो आपको मेनटेन करना है कि आप कितनी ओपनली बात कर पाते हैं, कितनी सीक्रेट्स हैं जो आप छिपा रहे हैं और कितने नहीं। सीक्रेट्स मेरे ख्याल से जब कुछ आप तय कर चुके हैं एक साथ होने के लिए तो शायद सीक्रेट्स की कोई बात नहीं बचती है, सीक्रेट्स छिपाएं। तो कोशिश आपकी ये हो कि आप रिलेशन को मेंटेन करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और साथ में एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें अपनी बातें साझा करें बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी के। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं कर पाएंगे तो मुश्किलें होंगी। और जब आप कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर दूसरों को समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही ज़रूरी बात और भी है कि कभी भी आप अपने पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल ना करें।
आपने एक बहुत कॉमन चीज देखी होगी इसमें, हम अक्सर अपने पार्टनर को, अपने साथी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनसे कुछ चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप उनके बदले में बहुत सी बातें बोलते हैं, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, मैंने तब ये किया था और मैंने आपके लिए अब ये किया था, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और जिसके बदले में जो आप जो भी आप चाहते हैं, वो एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है। आपको ये समझना होगा कि आपका रिलेशन एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पे आप 50% खर्च करके या स्पेंड करके आप 50 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने पार्टनर को किसी भी हालत में इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रिलेशन खतरे में पड़ जाता है, और वो आपके फायदे के लिए कभी नहीं होता। इसके साथ साथ जब भी कब आप अपने रिलेशन में रहते हुए अपने पार्टनर से कोई गलती करते हैं, तो उसको बिना शर्मिंदगी के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। एक और ये भी बहुत ज़रूरी बड़ी बात कि आप अपनी गलतियों को सरलता से, आसानी से एक्सेप्ट करें। अगर आपने कोई गलती की है, कई बार हम उसके लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत से रीजन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से आपको अपने रिलेशन में ऑनेस्ट होने की भी ज़रूरत होती है, तो आप जब भी कुछ गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें। और इसके साथ जब आपका पार्टनर गलती करे, तो आप उसे माफ़ करने की भी हिम्मत रखें। आपके पास माफ़ करने की भी क्षमता होनी चाहिए, और वो भी किस बिना किसी कंडीशन के। कई बार हम कंडीशन लगा देते हैं कि इस बार माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा हुआ तो शायद ऐसा होगा, या मैं ऐसा आपको इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार कुछ हुआ तो मैं ये करूँगी। आप जब खुद माफ़ी मांगें तो बहुत ऑनेस्ट होकर मांगें, और जब दूसरे को माफ़ करें तो शायद बिना किसी शर्त के माफ़ी आपको देनी चाहिए। दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं करार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। Good morning.
मौसम है गर्म आलम है दिल में तूफान है बेकरारी है क्या खुमारी है कितने अरमान है मेरी जान कह रही है मुझ पे जान सार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो के कदम एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम रात आधी है बात आधी है बहके बहके कदम एक दूजे को लेके बाहों में आल पट जाए हम बहुत जरूरी है कि आपके रिश्ते में आपके साथ आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं मतलब कहने का ये कि अगर आपके रिश्ते में आप दो लोग एक साथ हैं दोनों के ओपिनियन एक जैसे नहीं है अलग अलग हैं कोशिश आपकी ये भी होनी चाहिए कि आप जबरदस्ती या बिना बात की कंप्लेंट ना करें कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं एक दूसरे पर कंप्लेंट करते हैं क्योंकि उनके जो व्यूज़ हैं एक दूसरे से मैच नहीं करते और एक व्यक्ति रिलेशन में शायद ये कोशिश करता है कि वो कितना कूल है कूल का मतलब कि कितना उनका जो दिमाग है शांत है और वो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए अपने दूसरे पार्टनर पे बहुत सारी बातें कहते हैं और किसी इश्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं और कई बार जो अपनी बात मनवाने की जो एक कोशिश होती है वो शायद ब्लेम्स में बढ़ जाती है ब्लेम्स में कन्वर्ट हो जाती है कंप्लेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है दूसरे को आप हर्ट करना शुरू कर देते हैं तो शायद उससे रिश्तों को रिलेशन को बहुत नुकसान होता है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके डिफरेंट ओपिनियंस हैं तो आप एक दूसरे को ब्लेम करें आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए दोनों अलग अलग विचारधारा से हैं फिर भी आप एक समस्या को मिलके बात करके सुलझा सकते हैं और वही कोशिश आपको आगे बढ़ाती है और आपके रिश्ते में बेहतरी लेकर आती है और जो बात हम कर रहे हैं आपसे कि रिश्ते में बेहतरी का संबंध सीधा आपके एक्सपेक्टेशन से आता है क्योंकि जब सब कुछ स्मूथ चलेगा सब कुछ बढ़िया चला तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ अपने आप स्वतः या यूं कहें अपनी मर्जी से सब कुछ आपके साथ होता जाएगा इसके साथ साथ जो एक दो बातें और हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पूरे रिलेशन में साथ रहने के लिए आपकी माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपका दिमाग दिल और दिमाग इनफैक्ट दोनों में क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके मन में किसी तरह की जेलेसी नहीं होनी चाहिए आपके मन में किसी तरह की शक की भावना नहीं होनी चाहिए आपको शक ना हो आपको कभी कोई डाउट होता है तो आपको उसके लिए बात करनी चाहिए
बातचीत का जो मामला है या दौर है वो हमेशा आपके पास एक ऑप्शन में रहना चाहिए और प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो किसी संदेह को लेके, किसी संभावना को लेके आप एक दूसरे से बात करें और दिमाग और दिल दोनों एकदम क्लियर रखें। ये सारी बातें वही हैं जो मैं आपसे पिछले इश्यू पे कह रहा था कि आपका दिमाग, कि आप सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड है कि आपका रिलेशन कितना स्मूथ चल सकता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर जितना स्मूथ आपका रिलेशन होगा उतनी एक्सपेक्टेशंस की संभावनाएं कम होंगी और उतना ही आपको कम मांगना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाए और कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों बात कर सकते हैं उस पर। इसके बाद लास्ट, लेकिन मेरी तरफ से आज के शो का हमारा लास्ट जो सजेशन है, अभी इस टॉपिक पे लास्ट नहीं, बहुत कुछ है इसमें जो और हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त इतना ही है जितना हम हमको दे पा रहे हैं, कुछ वक्त और बचा है हमारे पास। तो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो ये कि आपका रिलेशन कितना भी परफेक्ट हो और आपका पार्टनर कितना भी परफेक्ट हो, फिर भी रिलेशंस में कई बार जगह ऐसी रह जाती हैं या कुछ स्पॉट ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। तो ये आप दोनों की रिलेशन में, दो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने रिलेशन को हेल्दी और स्मूथ बनाने के लिए जितनी भी कोशिश हो सके उसे इम्प्रूव करते चले जाएं। आप बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं 99.9, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, नीड रहती है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो आप कोशिश करें कि आप हमेशा उसको इम्प्रूव करते रहें। छोटी छोटी बातों से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर की एक शब्द आप उनको अप्रिशिएट के लिए कह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, बहुत बड़ा बूस्टर होता है किसी को अप्रिशिएट अगर आप करते हैं। कोई अच्छी बात लगे तो आप, कई बार होता है कि हमने शुरुआत में बहुत तारीफ की होती है, बाद में लगता है कि ये तो हम नॉर्मली हैं, हम एक दूसरे को पता ही जानते ही हैं, तो नहीं करते हैं। लेकिन कोशिश ये कि आपको, आप कितने भी साल बीत चुके हों लेकिन अगर अच्छी बात है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह से हमारी आदत होती है, हम हर गलत बात पर टोकते हैं, हर गलत बात पे कुछ कहते हैं, पूछते हैं और बताते हैं, वैसे ही हर अच्छी बात पे, भले आप पहले कभी भी और कितनी बार भी उसको बोल चुके हो, लेकिन उस बात को आपको दोबारा बोलना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है रिलेशंस को इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ाने की। शायद इन सजेशंस में से कुछ भी सजेशन अगर आपके काम आए तो अच्छा लगेगा हमें कि हमारा डिस्कशन कामयाब हुआ। और कोई गारंटी नहीं होती हमारे डिस्कशन की कि हम कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे, फुल प्रूफ सॉल्यूशन आपको दे पाएं, इस बात की कोई गारंटी, लेकिन हाँ कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक उम्मीद की किरण ढूंढ के लाएं। और रिलेशन में अगर आप कुछ चीज़ों को अपना लें तो शायद आपको एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। बहरहाल आज का टॉपिक इतना ही, आज का डिस्कशन इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और शो का वक्त खत्म हो रहा है और शो में एक छोटा सा फीचर लव टिप ऑफ द वीक, यानी कि मिस लवी की लव टिप हमारे पास है, जो वो हर वीक लेकर आती है हमारे साथ। और शो के लास्ट में उनको ये मौका मिलता है कि जब आप सोने जाएं, शो खत्म कर चुके हों, तब आपको पता चले कि भाई लव टिप ऑफ द वीक क्या है, वो आपको देखना है। तो देखते हैं आज लव टिप ऑफ द वीक में क्या है। मैं आपसे इस प्रॉमिस के साथ इजाजत लूंगा कि नेक्स्ट थर्सडे को, यानी कि जुम्मेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ फिर इसी शो में शामिल होऊंगा, वापस नए सेगमेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाई टॉप लाइव, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ लव टिप ऑफ द वीक। मम्मी की लोरी में प्यार है, पापा की डांट में प्यार है, बस नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत है दोस्तों, इस कायनात की हर शय में प्यार है। दोस्तों प्यार सिर्फ उतना ही सीमित नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि कॉलेज में, स्कूल में हमारी दोस्ती हुई बस वो प्यार है, नहीं। प्यार वो भी है जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं और उनकी हर डांट, हर फटकार में हमारे लिए प्यार छुपा होता है, सिर्फ हम उसे जान नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमें वो क्यों डांट रहे हैं, लेकिन वो हमारे भले के लिए, हमारे सही के लिए हमें डांटते हैं। उस डांट में भी उनका बहुत सारा प्यार छुपा होता है हमारे लिए। साथ ही दोस्तों प्यार इस दुनिया के हर जर्रे जर्रे में, कतरे कतरे में प्यार है। पेड़ों की सरसराहट में प्यार है, बादलों की गर्जन में प्यार है, हर शय में, हर कतरे में प्यार है। तो बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है अपना और अपने से प्यार करने वालों का। हमेशा ख्याल रखिए,
शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल और नमस्कार। काजल ये बिंदियाँ ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, ये आंखें ये काजल ये बिंदियाँ ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, खिलती सुबहों से ढलती शामों से मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं बार बार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, ये काजल ये बिंदियाँ ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार, ये काजल ये बिंदियाँ ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार, तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार,
तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। खिलती सुबहों से ढलती शामों से मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं क्यों बार बार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार।